बताइए। मोइल को पसंद करने के पीछे वजह ये थी कि पिछले हफ्ते 7% के आसपास मैग्नीज़ोर के दाम ऑस्ट्रेलिया में बढ़े हैं, 6% के आसपास दाम चीन में बढ़े हैं, और रुपए की कमजोरी और दाम बढ़ने का डबल फायदा मोइल को होता हुआ दिख रहा है। और सेम एक्चुअली वही मैं मेटल से जुड़ी हुई स्टोरी ढूंढ रहा था, तो मेटल से जुड़ी हुई स्टोरी में एक मोइल आता हुआ दिख रहा था। अब आई डोंट नो टारगेट्स, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि अब इस पे और क्या ऊपर के कितने टारगेट्स रखने चाहिए। कुणाल जी आप बता दो सर। देखिए यानी जी, इसमें एक अच्छी बात यह है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आपका साथ दे रहा है, तो बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। काफी बड़ी गिरावट के बाद ये काउंटर टर्नअराउंड दिखा रहा है, तो मॉइल पोजिशनल बेसिस पर भी बेहतरीन खरीद है। मुझे लगता है 205 रुपए के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 194-95 टारगेट होना चाहिए, 194-195 पहला टारगेट होना चाहिए, और ये पार हुआ तो फिर 200 की बात करेंगे, 200-200 तक। 194 के नजदीक तो आ चुका है ऑलमोस्ट, 193 हो चुका है। फिर देखो आ चुका है 194 का टारगेट, जिस जिसके 2000 बनते जाए भाई निकलते जाए। हाँ बस ज्यादा बढ़िया है। स्टॉप लॉस का रखे कुना? देखिए स्टॉप लॉस अब रखना चाहिए दीपाली 186.50 के आसपास, 186.50। ठीक है, 186.50 पे रखें स्टॉप लॉस, 194 पहला टारगेट है जो कि ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, और उसके ऊपर जाता है टिकता है तो और तेजी स्टॉक में बन सकती है। पोजिशनल टारगेट आपका 200 से ऊपर। एक्चुअली मेरा खुद का भी टारगेट 192 के ऊपर का नहीं था, तो उस लेवल पर आ गया, तो अब ऊपर में थोड़ा आप सावधान रहे, क्योंकि दिन के लिए अब क्या कितना बढ़ गया, ऐसा थोड़ी कि कोई आज का आज प्रॉफिट हो रहा सब हो रहा है तो 20% बढ़ जाना चाहिए। सावधान रहें तो जिन जिन के प्रॉफिट बन गए, या फिर एक बिल्कुल टाइट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि ऊपर के लेवल पर फंसना नहीं है, ध्यान में रखिए।